संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग अलग अलग मुहिमें चलाते रहते हैं और उसी मुहिम के तहत ये कार्यक्रम भी होता है। एक शायरी मुझे याद आ रही है, मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, और गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। अब कोटू तैयार रहे, कोटू का थीम कुछ इस तरीके से है। इस नृत्य के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति, प्राचीन नृत्य और यहाँ होने वाले तीज त्योहार को बताया गया है। किस प्रकार यहाँ के लोग अपनी संस्कृति में सारा भर होकर तांदी नृत्य करते हैं और यहाँ नित्य उत्तराखंड में हो रहे पलायन को रोकने की शिक्षा देती है, तो तालियों से स्वागत कहिए कोटू का।
बहुत ही शानदार प्रस्तुति कोटू के द्वारा यहाँ पे इन्होंने अपने नाटक के जरिए उत्तराखंड की प्राचीन वेशभाषा, लोकल वेशभाषा जो हम लोग गाँव में इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग देवी देवताओं से हमें परिचित करवाया। इनका परिचय कुछ इस तरीके से है। अर्पिता, रानी प्रियंका, वर्तिका, तृप्ति, अन्वेषा, प्रेरणा, काव्या और वंदना। मेरा निवेदन ऑडियंस से ये है, आप लोगों ने यह देखा होगा कि हमारी जो ये उम्र होती है उस उम्र में हमारे पास काफी जोश और काफी ताकत होती है। इस उम्र में हम लोगों के अंदर ये चलता रहता है कि इस दुनिया को किस तरीके से बदलें।